हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर और आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले ओप्पो रिनो 6 प्रो 5G के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक टेस्ट के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास ओप्पो रिनो 6 प्रो 5G। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स। यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे यूज डिफरेंट पासवर्ड भी आप चूज कर सकते हो, पैटर्न, 4-डिजिट पासवर्ड, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल मैं इसके अंदर पासवर्ड जो है वो एंटर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पासवर्ड जो है वो एंटर हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे हमें डेमो देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से इस फोन के अंदर हमें फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन करनी है। तो मैं फटाफट से मेरी फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेता हूँ, फिर हम इसका टेस्ट भी करेंगे कि ये कितनी तेज़ी से लॉक अनलॉक होता है। तो फ्रेंड्स, ये सेटअप हो रहा है। इस तरीके से आप अपने फिंगरप्रिंट जो है वो सेटअप कर लीजिएगा। आप चाहो तो राइट और लेफ्ट हैंड की भी फिंगरप्रिंट इसके अंदर लगा सकते हो ताकि आपको डेली यूज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डन लिखा हुआ है और ऐड अनदर फिंगरप्रिंट, यानी कि आप दूसरी भी फिंगरप्रिंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बट हमें अभी फ़िलहाल एक ही फिंगरप्रिंट इसके अंदर ऐड करनी है। तो यहाँ पे अभी हम इसका टेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो बहुत ही फास्टली काम कर रहा है। जैसे ही मेरी फिंगरप्रिंट को मैं टच करता हूँ तो हमारे फ़ोन जो है वो तुरंत ही अनलॉक हो जाता है, इतना फास्टली काम कर रहा है। तो आपको डेली यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली फिंगरप्रिंट को लेके है। अभी दोस्तों, इसका फेस रजिस्टर करके भी हम देख लेते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, सेटिंग्स में जाना है, पासवर्ड बायोमेट्रिक्स में चले जाना है। यहाँ पर आपको ऐड फेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है, अगेन वही पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कितना फास्टली, कितना तेज़ी से मेरा फेस जो इसने रजिस्टर कर लिया है। और यहाँ पे अनलॉक ओनली, आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम इसका फेस अनलॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तुरंत ही हमारा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप ऑटो अनलॉक भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके फेस के सामने फ़ोन लाओगे तो कुछ इस तरीके से तुरंत डायरेक्टली आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैमरे के सामने और ये मेरे फेस के सामने। तो इसका फेस अनलॉक भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आपको डेली यूज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक को लेके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दोनों ही बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।